लेक्चर गया, पर उनके लिए लेक्चर मार्च तक अवेलेबल है। जैसे वो मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो मार्च तक वो दोबारा से उस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं, पूरा का पूरा, यूं का यूं सारा। जब उन्हें लगा कि हाँ भाई वो प्रॉफिट रेशियो वाले क्वेश्चन भूल गए हैं, दोबारा से देखने हैं, तो पूरे के पूरे एज इट इज देख सकते हैं। तो हर लेक्चर उनके लिए मार्च तक अवेलेबल है पूरा का पूरा, तो ये उनके लिए प्लस फैक्टर है। तीसरा बहुत सा बढ़िया फैक्टर है ऑनलाइन एजुकेशन का, कि आपके घर में शादी होती है, आप शादियों में चले जाते हो, यहाँ छुट्टियां कर जाते हो, तो वो पढ़ाई दोबारा नहीं हो पाती। वो शादी में चले जाएंगे लेकिन शादी से आने के बाद अपना कोर्स तब भी कर सकते हैं। अभी जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश हो जाएगी, कई बारिशों के कारण कई बार कुछ बच्चे आ पाएंगे कुछ बच्चे, और क्लास उनकी मिस हो जाएगी, लेकिन वो क्लास जिंदा रहेगी, वो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन का बच्चा बहुत ज्यादा फायदा है, इसीलिए हमारे इंडिया को छोड़कर बाहर तो यूएस में तो ऑनलाइन एजुकेशन ही चलती है, वहां इस तरह के कोचिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट ही नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही नहीं होती कोचिंग सेंटर वाले। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हो गया, इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, ऑनलाइन लेक्चर्स आ गए हैं, संडे की क्लासेस फिनिश करने वाले हैं, जो पत्राचार वालों को संडे की संडे देते थे, और जो नोट्स देते थे वो भी खत्म, वो भी ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे। अभी देखेंगे आप, सिर्फ 2 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा इंडिया में, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। आप लोग जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे आप देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन है, और वैसे भी स्टार्ट तो हो ही गया है, कंप्यूटर्स फ्री में बांटे जा रहे हैं स्कूल्स में, वो इसलिए थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। जिस दिन 10th में बांटे जाएंगे समझ लेना उस दिन सब काया प्लेट हो जाएगी। जिस दिन 10th क्लास में स्कूल में टैब्स या लैपटॉप बांटे गए, सब जाना इंडिया बदल गया, क्योंकि 10th वाला जब 10th में लैपटॉप लेगा तो समझ लो कि 12th तक समझदार हो जाएगा, है ना, मानते हो? ये स्टार्ट है, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज एडमिशन चैप्टर है, एडमिशन फ्री है। मैंने 2 क्लासेस में आपको प्रोफेशनल इश्यू के क्वेश्चंस कराए हैं, और मैं अब आप सब लोगों को बोलता हूं कि आपने जो भी प्रॉब्लम पूछनी है पूछ सकते हैं, अनसोल्ड में कोई क्वेश्चन पूछना हो या इलस्ट्रेशन में पूछना हो। यस, मनप्रीत पूछ सकते हैं आप, अभिषेक पूछ सकते हैं आप दोनों पूछ सकते हैं आप, ठीक। जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट हम वो क्वेश्चंस करते हैं। एक बुक दे दीजिए, हाँ जी, एक बच्चे ने 14 क्वेश्चन पूछा है मुझसे, आइए 14 क्वेश्चन पर आते हैं। टीएस ग्रेवाल का 14 क्वेश्चन है, एडमिशन चैप्टर का 4th चैप्टर है। इसमें कहते हैं कि 4 पार्टनर हैं एबीसीडी, और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या है जी? 36, 24, 20, और इसके बाद एक नया पार्टनर आ गया ई, ई आ गया कितने शेयर के लिए? 20% के लिए। 20% को ऐसे लिख सकता हूं या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? स्टूडेंट्स, टोटल शेयर में अगर 1/5 मैं दे दूं, 1/4 ऐसे होता है ना, तो 1/4 में बड़ा कौन सा होता है, 1/4 या 1/5? इसीलिए 1/5 मैंने छोटा कर दिया, 1/4 से छोटा, समझ में आ रहा है ना? तो ये 1/5 अगर हम दे देते हैं मिस्टर ई को, तो बताओ ये किसको मिलेगा, कितना मिलेगा 1/5 हटाने के बाद? क्या बचता है? 4/5 बचता है। क्या बचता है? तो 4/5 मिलेगा उन्हें, क्या मिलेगा? अब ये 4/5 किस में मिलेगा? ए बी सी डी में, किस रेशो में? इस रेशो में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस रेशो में नहीं चाहिए, हमें किस रेशो में चाहिए? उस रेशो में। कहता है कि इन चारों ने फ्यूचर में 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के बारे में सोचा, समझ में आ गया? तो यानी जो रेशो बच गया है, ये कितना बच गया बोलो, तो ये हम उस रेशो में बांटेंगे, इस रेशो में नहीं बांटेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो आइए रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। अब एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाया
और उसने आकर मेरे से क्वेश्चन कहा कि सर आप हमेशा टोटल शेयर को वन क्यों कहते हैं, टोटल शेयर को वन क्यों कहते हैं, टू क्यों नहीं कहते, आप थ्री क्यों नहीं कहते, आप फोर क्यों नहीं कहते। तो इसका कोई स्टूडेंट जवाब दे पाएगा? क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप? कोई नहीं दे सकता, चलो मैं देता हूं। एक्चुअली स्टूडेंट ये वन नहीं है, ये है 1.0, और 1.0 को बोलते हैं बेटा 100% मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो एक्चुअली ये 100% है, समझ में आ गया नहीं आ गया? इसी तरीके से जब आप वन में से वन पॉइंट जब आप एक में से 1/5 घटा रहे हो तो आप 1/5 नहीं घटा रहे, आप ये घटा रहे हो, ये बोले तो बचा कितना, आप ये काम कर रहे हो। तो टोटल शेयर वन आ गया। तो अब इसके बाद रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस कितना आ गया, और ये शेयर अब कौन बांटेगा, ठीक है ना? तो ए का नया शेयर, बी का नया शेयर, सी का नया शेयर और डी का नया शेयर, सभी इसी में से लेंगे ना। अब इसमें से कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, डी को, वो रेशो में रेशो बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है, इसका 3/10, समझ में आ गया? ये चीज तो सभी लोग बता देते हैं और सभी किताबें बता देती हैं, लेकिन वो जो चीज मैंने बताई कि ये 1.1 का मतलब क्या है, ये बेसिक होता है, ये बेसिक है, ये रूल है, ये किताबें नहीं बताते, ये ज्यादातर टीचर्स नहीं बताते, इसको ध्यान में रखो कि ऐसा है तो क्यों है। आप कहते हो नहीं जी मैं तो 2 मानूंगा, तो इट्स ओके 2 मान लीजिए आप, लेकिन 2 का मतलब फिर क्या हो गया, 200%। फिर रिमेनिंग शेयर के लिए आप 20% थोड़ी घटाएंगे, इस 200% का 20% घटाएंगे यानी कि 40%, तब रिमेनिंग शेयर 160% बचेगा, समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए 2 मानने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप उसको फिर बाद में इसको भी, जब आप इसको डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो एक ज्यादा ऑपरेशन हो गया, एक ज्यादा स्टेप बढ़ गया, इसलिए हम हमेशा एक मानते हैं, 100% से ही कैलकुलेशन करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, सही है इसका, बी का और ई का कितना आ गया, और कितना आ गया, और कितना आ गया, और कितना आ गया, और इसका आ गया 1/5। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, कितना आ गया, इसे डिवाइड कर देंगे, क्या ऊपर का न्यूमरेटर टोटल नीचे के टोटल के बराबर है, तो इजीली हो पाएगा। ये बात सभी के समझ में आ रही है, मैं मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरी 2 वीडियो क्लासेस ले चुके, ठीक है ना? ठीक। तो जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाली 2 वीडियो क्लासेस देखें और बाद इसमें आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं हम, आप इसे कॉपी कर सकते हैं।
सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने आपसे कहा था कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बोलो 15। आइए 15 पर आते हैं। कहता है दो पार्टनर है, ये भी 3:2 की रेशियो में सी आ गया, जरा देखें आप ये कौन है, कौन आ गया, तो बोलो कितने हो गए, समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ देखो क्वेश्चन में, इसके बाद डी आ गया, तो यानी इसके बाद आया कौन, तो फिर कौन बन गया, बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, पहले क्वेश्चन को यहां तक लाएंगे फिर यहां से यहां पहुंचाएंगे, ये बात क्लियर हुई। चलिए तो ये यानी सिंपल क्वेश्चन है, दो सिंपल क्वेश्चन मिलकर ऐसे क्वेश्चन बन गए। एबी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, और सी कितने के लिए आया था, 1:4। सभी स्टूडेंट सामने देखिए, और डी कितने के लिए आया, 1/5, 20% सामने देखिए। लेकिन जब डी आया तो एबीसी का शेयर नहीं मालूम ना तुम्हें, तो तुम पहले इसे कन्वर्ट करके यहां पर आओगे, फिर उसके बाद दोबारा से टोटल शेयर को 1 मानोगे, फिर 1 में से डी को देने के बाद जो बच जाएगा वो बचा हुआ एबीसी में बांटोगे और फिर से नई रेशियो निकालोगे। समझ में आ गया इसका ट्रीटमेंट कैसे चलना है। तो यानी लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, तो सी का शेयर कितना हो गया, 1/4, रिमेनिंग शेयर। अब ये 3/4 कौन बांटेगा, कल एक स्टूडेंट का रोते रोते आया, कैसे आया, रोते रोते आया, उसने कहा सर आप रिमेनिंग शेयर को हम बांट रहे हो, क्यों नहीं तीनों में बांटते हो, तो मैं रोने लग गया, मैंने कहा बड़ा इतना होशियार बच्चा मेरे नसीब में मिला है मुझे, आप बता सकते हैं क्यों, तो मैंने भी उसे यही समझाया, मैंने कहा देख तूने खाना खा लिया, उसने कहा हाँ जी मैं खाना खा लिया, मैंने कहा तो और खा ले, कह रहे नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैंने कहा तू दोबारा खा ले, कह रहे नहीं पेट जितना है उतना ही तो खाऊंगा मैं, उससे ज्यादा कैसे खा सकता हूं। तो मैंने कहा कि बेटा जब सी का 1/4 है और तूने उसे दे तो अब दोबारा देगा क्या उसे, इसमें तो अब वही लोग बांटेंगे ना जो बच गए, सी तो मिल चुका, उसे तो तूने गेम से हटा दिया, तब जाकर वो चुप हुआ, समझ में आया। हाँ कौन बांटेंगे, ये भी किस रेशो में, बी का शेयर कितना और सी का कितना आ गया, यानी अब आप यहां पर आ चुके हैं, अब आप कहां पर आ चुके हैं, समझ में आ गया, अब आप कहां पर आ चुके हैं, आपको कैसे पता लगा कि आप यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि तीनों रेशो आ गई, क्या आ गई है बच्चों तीनों, अब इस फिर से क्या निकालना है, डी टोटल क्या निकालना है, तो फिर वही मानेंगे लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, फिर क्या मानेंगे रिमेनिंग शेयर, फिर रिमेनिंग शेयर किसमें बांटेंगे, तो आ जाएगा नया शेयर, बोलो कर लोगे घर जाकर, पक्का ठीक है, अब आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ जी आप लोग करते रहे, मैं ये सुन रहा हूँ, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा क्या कह रही है। हाँ ये कह रही हैं कि जब आपने लेट एक बार x मान लिया तो दोबारा से x कैसे मान सकते हैं, दोबारा y मानो z मानो, ये यूं कह रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि तो मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा ऐसा है, क्या नाम है आपका, सृष्टि, सृष्टि ऐसा है कि हम एक नहीं मान रहे, हम 100% मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। तो अगर आप यहां पर लिखते हैं कि लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, तो इस 1 को इस 1 से मत मानो,
ये वन और ये वन दोनों अलग अलग है, ये 100% है जो एबीसी बांटेंगे और ये वो 100% है जो एबीसीडी बांटेंगे। बात समझ में आ गया, ये वही वाला वन नहीं है, ये 100% है। 100% किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, इस पूरी रोटी को। समझ में आ गया, बोलो क्लियर है? तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से कराने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखो, ये बताओ बच्चों कि D को 1/5 कहां से मिलेगा? मानते हो D को कहां से मिलेगा? मानते हो ना ये बात? D को कौन देगा? D को कौन देगा? D को कौन देगा? D को देगा A, B और C। कितना 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 है बेटा? उनके शेयर का 1/5। गलत जवाब। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसे करने के लिए दोबारा क्या करेंगे आप? टोटल शेयर इक्वल टू 1, 1 में से किसको देंगे आप? डी को। फिर रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? 4/5। फिर 4/5 एबीसी में निकाल देना, नया आंसर आ जाएगा। बोलो सही है, और जो किताब से मिल जाएगा। लेकिन मैं अब आपको ये वाला मेथड दोबारा किसी नए मेथड से करा रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि ये इस मेथड से होगा, उस मेथड से भी हो जाएगा जो आप कर रहे हैं इस समय क्लास में। कुछ नए मेथड से करते हैं ना, नए तरीके से। आइए करते हैं, करें, देखता हूं मेरा वाला मेथड आपके वाले आंसर पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। जो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, आप लोगों ने आंसर, सब बच्चों ने आंसर निकाल लिया, बताओ क्या आंसर निकला है? ये कह रहे हैं 9, 6, 5, फिर से 5, ये रेशो आया, ये। अब मैं जिस मेथड से जाने जा रहा हूं क्या वो यहां तक पहुंचेगा, अब ये देखना है। कुछ नया शुरू करूं? डी को कहां से मिलेगा? एबीसी से, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? खामोश, चुप है। तो हम ये मान रहे हैं कि इसे सब लोग दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन खामोश ना होता तो वो क्या होता? वो बोलता। क्या बोलता? कि डी को ए ने दिया, डी को बी ने दिया। जब वो नहीं बोल रहा तो हम क्या मान रहे हैं? सब ने दिया। कितना दिया? अब आप कहेंगे इक्वली दिया, तो गलत जवाब। जो रेशो में थे उसी रेशो में दिया, जो रेशो में थे, अगर वो इक्वल थे तो इक्वल रेशो में दिया। समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड, आइए स्टार्ट करते हैं। तो डी का शेयर है 1/5, तो ए का सेक्रीफाइजिंग शेयर क्या होगा? बी का सेक्रीफाइजिंग शेयर क्या होगा? सी का सेक्रीफाइजिंग शेयर क्या होगा? ए का सेक्रीफाइजिंग शेयर होगा डी का 9/20, बी का होगा डी का 6/20, सी का होगा डी का, समझ में आ गया आप लोगों को? तो डी का शेयर कितना है? 1/5 × 9/20, 1/5 × 6/20 और 1/5 × 5/20। क्या आ गया? समझ में आ गया? तो ए बी सी डी का नया प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 9/100, 6/100, यही होगा ना? गलत जवाब। बोलो क्या गलती कर रहे हैं हम? वेरी गुड, शाबाश, इस बच्चे ने पकड़ लिया कि ये अभी सेक्रीफाइज है, अभी नया शेयर कहां निकला है। तो न्यू शेयर किसका निकालना है? ए का और बी का, और कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइज है, और कितना है? और कितना है इसमें से माइनस करेंगे वो सेक्रीफाइज जो उन्होंने करा। एलसीएम ले, एलसीएम ले, एलसीएम ले, कितना आ रहा है? सही है स्टूडेंट्स? अब इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आया? इसमें से आया तो, इसमें से आया तो, और सी का तो सबको मालूम है, डी का। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो कितनी आएगी? 36/100 अनुपात 24, 45:100 और 1/5। एलसीएम इसका निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा, तो
तो और इसके बाद क्या आएगा, 36 अनुपात 24 अनुपात 45 अनुपात, और सी का कितना आ रहा है, 20। जरा देख लेते हैं अभी, 10 में से करा 5 पंजे 25, 50। ठीक है, अब ये ठीक है ना, नहीं यहां तो ठीक लिखा था भाई आप, ठीक है यहां पर कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप, अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इस बच्चा कह रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो बता रहा है, बताओ यहां 5/20 आएगा सी का, अच्छा ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, 25। कितना आ गया, सही है। अब इसे निकाल लेते हैं, ए का 36, बी का 24, सी का, अच्छा अगर ये आंसर मिस्टेक हो जाए हमारे से तो क्या एग्जाम में हमें पता लग पाएगा? मैंने आपको बताया पिछली दो वीडियो क्लास में कैसे पता लगता है, ठीक है, अब पता लग रहा है क्या? ठीक है, एलसीएम आ गया 100, क्या ऊपर का टोटल 100 आ रहा है, पहले आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, तो पता लग गया कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक है, समझ में आ गया। ये 100 का क्या मतलब है, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा आना जरा सब लोग, उतार लेना मैं मौका दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 532, नया पार्टनर कितने के लिए आया, तो उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते थे कि जो नया पार्टनर का है उस नए पार्टनर को किस किसने दिया, एक्स ने वाई ने और जेड ने, कितना कितना दिया, तो जैसे हमने यहां पर डी को मल्टीप्लाई करा है वैसे वहां पर किसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए को, उन रेशो से, तो 1/5 तीन हिस्सों में टूट जाएगा, तो तीनों जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सैक्रिफाइस शेयर माना जाएगा, और फिर उनके ओल्ड में से सैक्रिफाइस घटा देंगे तो नया आ जाएगा, उसे आप क्वेश्चन में बना ऐसा किया जा सकता था, घर पे जाके ट्राई करना, उतार लो आप लोग। नहीं नहीं उतारने दीजिए बच्चों को, मैंने आपको इलस्ट्रेशन कहां तक दी थी स्टूडेंट्स, 1 to 18 दी थे, ठीक है। वन टू एटीन तो नहीं दिया होगा बेटा, 1 to 18 दिया था तो गलत दे दिया, 1 to 14 करना है क्योंकि वो तो फिर गुडविल स्टार्ट हो रहा है ना उसमें। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का पॉइंट नंबर फर्स्ट आ गए स्टूडेंट। ये जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 8 का KLM, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, याद कीजिए मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिया था, मुझे बस आपको इतना बताना है कि ये क्वेश्चन कौन से अनसोल्व क्वेश्चन से मिलता है। हां जी क्या कहना चाहेंगे,
ये क्वेश्चन कौन से अनसोल्ड क्वेश्चन से मिलता है? नाइन्थ अनसोल्ड क्वेश्चन से। तो समझ में आ गया, नाइन्थ अनसोल्ड क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो क्लास में किया था उसे करने के बाद आप इसको करें। इसमें भी यही है, क्या हुआ कि पुराने कितने पार्टनर थे? तीन, एक पार्टनर आ गया चौथा मिस्टर एन। तो जब एन आया तो जो पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर था मिस्टर एम, उसने क्या कहा? वो रोने लग गया और रोकर क्या बोला कि मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, मैं तो जो पहले शेयर लेता था वही लूंगा। तो इसलिए अब रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? टोटल शेयर में से नए वाले पार्टनर का शेयर भी माइनस कर देंगे और उस पुराने जिद्दी पार्टनर का शेयर भी माइनस कर देंगे कि अच्छा ठीक है चल तेरे को माइनस कर दिया हमने, तू किसी को नहीं देना चाहते हो तो तुम्हारा भी शेयर हम माइनस कर देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई आप लोगों को? हो पाएगा आप लोगों से? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आइए। क्या कहता है देखें जरा, कहता है ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटिंग फॉर 3/10 शेयर्स ऑफ हाफ ऑफ व्हिच वाज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अंडरलाइन कर रहे, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मिल गया, क्या मतलब है जी बताएंगे मुझे? देखो इसमें नया पार्टनर का नाम बताओ क्या है? सी है। सी जो आ रहा है वो कितना हिस्से के लिए आ रहा है? 3/10 के लिए आ रहा है। अब 3/10 के लिए वो आ रहा है, उसे कितना हिस्सा मिल रहा है पुराने वालों में से? उसे कितना हिस्सा दिया ए ने, कितना हिस्सा दिया बी ने, बताओ? बताइए, अटक गए? देखो ये क्या कह रहा है, ये सी कितने के लिए है, इसे कितना हिस्सा इसे मिला है ए से और कितना हिस्सा मिला है बी से। वो क्या कह रहा है? कह रहा हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए, हाफ ऑफ, तो कहता है इसमें से आधा उसे ए ने दिया तो बी ने कितना दिया? बचा हुआ आधा, बचा हुआ। तो इसका आधा कैसे निकाले? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आधा हो जाता है। किसी भी चीज को 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बोलो मानते हो आप लोग? ठीक है, तो कितना आ गया? 3/20 और 3/ ये क्या है इन दोनों का? सैक्रिफाइस। तो यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस। अच्छा ये वाली बात कह रहे हैं, चलो अब आते हैं। बच्चों ने गलती पकड़ ली, मैंने आपको बोला था वीडियो क्लास नंबर 1 में, क्या बोला था बताओ? कि मुझे सोने वाले बच्चे ढूंढने होते हैं। सोने कौन से? गोल्ड वाले जो सो रहे हैं। यहां पर शब्दों पे गौर फरमाओ जरा, देखो क्या कह रहा है। सी इज एडमिटिंग फॉर 3/10 शेयर ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर। अंडरलाइन कर ले, एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग शेयर कौन सा? रिमेनिंग कौन सा? रिमेनिंग वो जो सी का रिमेनिंग है, सी में से जो बच गया। बच्चों रिमेनिंग वो नहीं जो टोटल वाला, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कहता है कि जो रिमेनिंग शेयर बचा वो सी ने इक्वली ले लिया ए और बी से, ए और बी से। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि सामने देखो कि सी का जो 3/10 है उसका हाफ किसने लिया? उसका हाफ उसे किसने दिया? उसका हाफ उसे ए ने दिया। तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा? 3/10 माइनस 3/20 या 3/20 खुद ही बोल दीजिए, है ना, यही तो होगा। तो कितना बचेगा जरा देखूं मैं, 3/20 ही बचा। बोलो अब ये किस, ये जो है उसे किससे मिला? वो कह रहा है कि ये जो है फिर से उसे ए और बी से मिला। कैसा मिला? क्या कह रहा है वो? इक्वली, यानी आधा आधा। फिर से 1/2 से गुणा करूं, समझ में आ गया? यानी इसका मतलब एक सैक्रिफाइस है, वो क्या है? वो सी का आधा है प्लस
जो बच गया, बचा क्या? सी का आधा, सी के आधे का आधा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यानी कि सी का शेयर कितना है? 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, और 3/10 से इसे करेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया? बोलो करेक्ट है। ये सी ए का सैक्रिफाइस आ गया, और बी का सैक्रिफाइस क्या है? बी का सैक्रिफाइस सी के आधे का, ये बी का सैक्रिफाइस है, यानी कितना हो गया? 3/40। अब इन दोनों का नया निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ये बात सबकी समझ में आ गई? अब हो जाएगा, सॉल्व भी है ऑलरेडी। वैसे भी स्टूडेंट सामने देखो, 3/10 का मतलब होता है 30%। क्या मतलब होता है? 30% में से आधा यानी 15% उसे ए से मिल गया और 15% उसे बी से मिल गया, और इस 15% को उसने कहा कि रिमेनिंग है, और इसे ए और बी दोनों ने दिया है, तो यानी आधा कितना हो गया? 7.5% और 7.5%। तो ए ने कितना दिया? 22.5%। बी ने कितना दिया? 7.5%। दोनों मिलाकर 30%। कुछ आई बात समझ में? अब ए का ओल्ड कितना है? ए का ओल्ड कितना है इस क्वेश्चन में? तो 5/8 में से ये सैक्रिफाइस घटा देना तो ए का नया आ जाएगा। बी का ओल्ड कितना है? 3/8 में से 3/40 घटा देना तो बी का नया शेयर आ जाएगा। समझ में आ गया? ए के ओल्ड में से सैक्रिफाइस घटा देंगे तो ए का नया शेयर आ जाएगा। बोलो करेक्ट है? बस यही चीज समझानी थी मुझे आप लोगों को। अब आप समझ गए हैं तो आप लोग घर से इसको क्वेश्चन को कीजिएगा। सभी स्टूडेंट आ जाएं स्कैनर पे S45 पेज नंबर पर, S45 S45 पेजेस पर आ जाएं। देखिए स्टूडेंट, न्यू प्रॉब्लम इशू के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। आप लोगों को आज का होमवर्क ये है कि वो जो टोटल 14 इलस्ट्रेशन है और टोटल जो 16 या 17 आंसर्ड क्वेश्चन है वो आपने कर लिए हैं, और अब ये आज का होमवर्क है, ये टोटल 9 क्वेश्चन अब आपने पूरे करने हैं। इसमें जो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जमरजी पूछ सकते हैं, वैसे आप सभी कर पाएंगे मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो आज न्यू प्रॉफिट इश्यू वाले क्वेश्चन हम लोग फिनिश करते हैं। अब हम कब नेक्स्ट क्लास में हम जो लेकर आएंगे वो गुडविल का ट्रीटमेंट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं। घर पर जाकर इसे करना है, आज करना है। कब करना है? वो क्या हो जाएगा? वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाला है, और जो आज का काम कल पे छोड़ेगा उसका कल कभी नहीं आएगा उसका, क्योंकि जब वो भगवान से या ऊपर वाले से मांगने जाएगा तो ऊपर वाला भी क्या कहेगा कि मैं भी कल लगाऊंगा, तो ना तुम्हारा कल कभी आएगा ना ऊपर वाले का कल कभी आएगा, वो कहेगा कल। तो इसलिए ऊपर वाला जो बांटता है वो सिर्फ आज वालों को बांटता है जो आज में बिलीव करते हैं। तो आज मेहनत करो, ठीक है ना, आज ही जाकर काम पूरा करो। शाबाश।